ये है उतरौला का मेन चौराहा और यहाँ से चार तरफ रास्ता जाता है। एक तो मार्केट को जाता है, एक सीधे बलरामपुर और ये जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये सीधे डुमरियागंज, बाकी ये रास्ता जो है इधर साइड का मनकापुर जाता है। और हम पिछले कई दिनों से सोच रहे थे कि मनकापुर का विजिट करूं और आप लोगों को मनकापुर का मस्त सीन दिखाऊं और रास्ते में जो भी सीन पड़ता है उसको भी दिखाऊं। तो खैर अभी हम उतरौला में हैं और ये रोड जो है ये उतरौला से मनकापुर जाता है और मनकापुर की दूरी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो चलिए फिर आज हम चलते हैं मनकापुर और आपको अच्छे सीन दिखाते हैं उधर साइड के। फिलहाल मनकापुर आज मैं पहली बार जा रहा हूँ। बाकी अभी हम आ गए हैं पकड़ी बाजार के सरयू नहर पर और इधर देखिए ये साइड जो है ये पकड़ी बाजार है और फिर पकड़ी बाजार के बगल साइड में आपको पकड़ी गांव भी मिलेगा। अगर आपने पकड़ी बाजार पकड़ी गांव को नहीं देखा है, प्यार बाजार को देखा नहीं देखा है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद में प्यार बाजार भी मिलेगा। अगर इन सब सीनों को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में हमारे चैनल पर जाओ, आपको पकड़ी और पेहर दोनों के वीडियो मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं। अभी हमने पकड़ी को क्रॉस कर लिया है और पेहर को भी क्रॉस कर लिया है और अब हम चलते हैं सीधे सुंदर घाट जंगल पे। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, मतलब कि अभी यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाने के बाद में एक सुंदर घाट जंगल मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत जंगल है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे मनकापुर के लिए। चलिए भाई, खैर अभी हम आ गए हैं सुंदर घाट जंगल पर और सुंदर घाट जंगल का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद ही देखना उस वीडियो को। फिलहाल इस जंगल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीन मैंने उस वीडियो में दिखाया था और वो वीडियो सुंदर घाट जंगल के नाम से मिलेगा हमारे चैनल पर। खैर अभी थोड़ा सा हम रेस्ट लेते हैं क्योंकि आज पता नहीं क्या बात है कि थोड़ा थका बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा आराम करते हैं उसके बाद में फिर चलते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा आराम हो गया और अब चलते हैं, ज़्यादा आराम नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा ही आराम करेंगे तो समय निकल जाएगा। तो खैर अब चलते हैं, मनकापुर पहुंचते हैं और आपको अच्छे सीन दिखाते हैं उधर साइड का। खैर सुंदर घाट जंगल से थोड़ा सा आगे आने के बाद में रेहरा मार्केट पड़ेगा और रेहरा मार्केट का भी वीडियो हमने बनाया है बहुत ही पहले। फिलहाल इससे आगे रास्ते का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस पहली बार जा रहा हूँ, तो चलिए फिर चलते हैं और वीडियो को पूरा करते हैं। और रेहरा से मनकापुर की दूरी करीब अभी 17 किलोमीटर और बचा है, तो 17 किलोमीटर का सफ़र अभी हमें और करके मनकापुर पहुँचना है। छोटा सा ब्रिज और नदी में, ब्रिज के नदी में देखिए कितने लोग स्नान कर रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं। फिर आप देख सकते हो ये है मनकापुर का चीनी मिल जो कि देखिए इस तरह से बना हुआ है, काफ़ी बड़ा मिल है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सीमा प्रारंभ थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा मोबाइल नंबर भी इस पर दिया गया है और यहाँ से आप देख सकते हो मिल का मेन गेट बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड यूनिट मनकापुर, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है इस पर, मगर इसका हेड ऑफिस जो है वो बलरामपुर में लगता है, पर ये है मनकापुर का चीनी मिल और यहाँ से मनकापुर की दूरी अभी करीब 12 किलोमीटर और बचा हुआ है मनकापुर मेन सिटी का दूरी।
और इधर साइड में जो ये दिख रहा है गेट, ये है बैलगाड़ी जाने के लिए। एक गेट उधर है, एक गेट इधर है गन्ना ले जाने के लिए। बाकी इधर ढाबा वगैरह बना हुआ है इधर साइड में, काफ़ी अच्छा। ये देखिए, बस यही है यहाँ का सीन। भाई ये देखिए, छोटा सा ट्रैक्टर गन्ना लेकर जा रहा है, छोटी सी ट्राली है और गन्ना बहुत ज़्यादा लदा हुआ है इस पर। और ये है जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर गोंडा, और ये है इसका मेन गेट। और इस विद्यालय की स्थापना 1988 में हुई थी। अभी इधर के रास्ते थोड़े बहुत खराब हैं। खैर, इधर का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, पर यहाँ पर आप अच्छे सीन देख सकते हैं। CDS चंद्रदेव सिंह पब्लिक स्कूल इधर साइड में, और देखिए कितना खूबसूरत स्कूल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर का व्यू। और यहाँ पे रास्ते में एक छोटी सी मार्केट है जो कि आप देख सकते हो, अंधियारी बाज़ार के नाम से इसको जाना जाता है। ये बाज़ार है अंधियारी बाज़ार। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्री आदि शक्ति माँ ज्ञानीपुर समय तो मंदिर है, और मंदिर का ये है मेन गेट। और बहुत ही अच्छा रोड बनाया गया है मंदिर तक जाने के लिए। इधर साइड में ये मंदिर पड़ेगा, यहाँ हर मंगलवार को बताया जाता है कि मेले लगते हैं, बहुत ही अच्छे जगह है। खैर, सड़क इधर का कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है सड़क इधर का। पर एरिया जो है इधर का बहुत ही मस्त एरिया है, बहुत ही अच्छा लगता है इधर के एरिया में। देखिए गाड़ी जा रही है, पर लगता है कि गाड़ी डांस कर रही है। देखिए अब इधर थोड़ी सी सड़क अच्छी मिल गई है। पहुंच गए हैं मनकापुर, और ये है मनकापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर गोंडा। और अब आपको हम लेकर चलते हैं मार्केट में और मार्केट दिखाते हैं। खैर भाई, अभी हम मनकापुर आ गए हैं, और मनकापुर एक सिटी है, मतलब अच्छा मार्केट है, और मनकापुर डिस्ट्रिक्ट गोंडा में पड़ता है। तो चलिए फिर आपको हम मार्केट दिखाते हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि उतरौला से हम मनकापुर का विजिट करें, तो उतरौला से हम मनकापुर का आज हमने विजिट किया है, और रास्ते में सारे सीन दिखाते हुए पहुँचे हैं मनकापुर। और अब चलिए मार्केट को दिखा के वीडियो को एंड कर देते हैं। तो भाई, अब हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, और मनकापुर मार्केट आप देख सकते हो कि किस तरह से है। फिलहाल इतना ही नहीं है, मार्केट और बहुत है, आपको हम दिखाते हैं। सच बोले भाई तो मनकापुर मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका जो बीच में जो रोड है, ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और इस तरह से है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मार्केट है। और फिर देखिए इधर साइड में शांति कॉम्प्लेक्स, ये देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसमें है HDFC बैंक और महिंद्रा फाइनेंस बैंक, ये सब है मतलब इधर साइड में। फिर आप इधर साइड में देख सकते हो AP इंटर कॉलेज मनकापुर रोड, ये देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है इधर साइड में। और पेट्रोल पम्प भी इसी मेन मार्केट में पड़ता है। बाकी अब चलते हैं चौक, आपको दिखाते हैं। तो चलिए भाई, अब हम आ गए हैं मेन चौक पर। ये देखिए, यही है मेन चौक मनकापुर का। ये बीच में मतलब गोल टाइप का बनाया गया है, चारों तरफ इसमें दुकान भी है, और एक सड़क उधर को जाती है, एक सड़क इधर, एक इधर और एक इधर, मतलब चारों तरफ रोड गई हुई है और चारों तरफ ही दुकान है। इसमें पतली सड़क गई है, पर दुकान काफ़ी अच्छे अच्छे दुकान है इधर साइड में। आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, मतलब सभी सामान यहां पर उपलब्ध है। जैसे कि यही है मेन चौक यहां का, और सबसे फेमस चौक है ये, मनकापुर का फेमस चौक है। चौक में जितनी भी आपको दुकान मिलेंगी, मतलब मार्केट मिलेगा, वो सब पतली ही होंगी। इस तरह से आप देख सकते हो, काफ़ी पतला सड़क है और घने दुकान है इस तरह से। और ये देखिए, अभी हम आ गए हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास में, और ये है यहाँ का रेलवे क्रॉसिंग। और यहाँ पर ट्रेन आने जाने के लिए डबल पटरी बनाई गई है, आप देख सकते हो।
बहुत ही अच्छा इधर का व्यू दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इससे पहले जो हमने मनकापुर का चौक आपको दिखाया है, बहुत ही फेमस चौक है। किसी भी बंदे से अगर पूछोगे कि हमें चौक जाना है तो पहले ही पूछेगा कि भाई क्या लेना है, इतना फेमस है यहाँ का चौक। अभी फिलहाल हम गए और मतलब कई लोगों से पूछने के बाद में ही वहाँ पर पहुँचे थे हम भी। तो बस यही है सीन यहाँ का, सिंपल सा सीन है, मतलब कि जो भी सीन है आपको मतलब पूरा दिखा दिया है इस वीडियो के माध्यम से हमने। और फिलहाल ये जो रोड है ये सीधे उतरौला से आया हुआ है, और अगर आप मार्केट में जाना है तो इधर आपको मुड़ना पड़ेगा, इधर वाले रास्ते पर मुड़ना पड़ेगा। मुड़ने के बाद में आगे से चौक आपको मिलेगा। अगर आपको सीधे जाओगे तो फैजाबाद और ऐसे मतलब कई जगह पर आप जा सकते हो, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है इधर के बारे में। चलिए भाई अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सीन दिखा दिया हमने और मनकापुर में भी अच्छे सीन दिखा दिए, रास्ते में जो सीन मिला था मतलब अच्छे अच्छे उसको भी हमने इस वीडियो में दिखा दिए। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर कहीं नेक्स्ट वीडियो अच्छा सा बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह से व्लॉग बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे सीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।